आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी नंबर 2 बेसिकली डिपेंड है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड द सोसाइटीज, यानी कि बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के प्रति, वो आपको इस वीडियो में सीखना है और साथ ही साथ इस केस स्टडी में समझना भी है और साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन दिए गए उसके आंसर्स भी हम देखेंगे कि किस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम केस स्टडी। केस स्टडी में गिवेन है यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है और साथ ही साथ वो जो मार्केट में उसका पोजीशन है वो बहुत ही हाई लेवल पे है, क्योंकि उसने बहुत ही साल पहले से ही अपना पेंट कंपनी चालू करके रखा हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना रेपुटेशन ग्रोथ करके रखा हुआ है मार्केट के अंदर। तो दैट इज मीन्स, लेकिन यहाँ पे अब ये जो पेंट कंपनी है ये क्या कहती है कि जो भी उसका वेस्टेज पार्ट होता है, ठीक है, अनट्रीटेड पॉइजन जो पार्ट होते हैं वो क्या कहता है कि किसी रिवर बैंक में डाल देता है एज अ डिस्पोज करने के लिए, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि अगर रिवर में डाला तो रिवर में जितने भी सी एनिमल्स या रिवर एनिमल्स है वो बेसिकली उनके हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो केमिकल उनके अंदर भी जा रहा है। एंड नेक्स्ट थिंग कि वही जो सी एनिमल्स है वो ह्यूमन बींग भी एज अ कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके बेस पे जो ह्यूमन बींग है उनकी भी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही है। एंड नेक्स्ट थिंग कि जो रिवर का पानी है वो भी लोग ड्रिंकिंग करते पीते हैं, ठीक है, और अपने हाउस होल्ड यूजेस में लेके जाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने केस स्टडी तो समझ लिया हुआ है कि यहाँ पे जितने भी जहाँ पे रिवर में ये केमिकल छोड़ा जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे उन लोगों को बहुत सारे हेल्थ डिजीज हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज निगलेक्टेड बाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो निगलेक्ट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। सेकेंड है, वॉट काइंड ऑफ पॉल्यूशन दे आर डूइंग, तो किस तरीके से वो कौन से पॉल्यूशंस को इंक्रीज कर रही है ये आपको बताना है। एंड थर्ड जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर डू दे नीड टू बी टेक, तो ऐसा कौन सा सेफ्टी मेजरमेंट है या प्रिकॉशनरी है जो कंपनी को फॉलोअप करना चाहिए। तो चलिए इसका वन बाय वन हम आंसर देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज निगलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट इज निगलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो वो एनवायरमेंट को हार्म कर रही है ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भूल चुकी है। उनको याद रखना चाहिए कि अगर वो रिवर में इतना पॉइजन और अनट्रीटेड पॉइजन जो है वो छोड़ेगी या डिस्पोज करेगी, तो जिसके वजह से पूरा जो पानी है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा और वहाँ के जितने लोग हैं जो इस पानी को कंज्यूम कर रहे हैं उनके हेल्थ प्रॉब्लम भी होगी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन दे आर डूइंग, तो आपको एक सिंपल सा वर्ड में नहीं आंसर लिखना है, आपको पूरा एक सेंटेंस देना होगा। इसका आंसर होगा, दे आर क्रिएटिंग वाटर पॉल्यूशन बाय डंपिंग इट्स अनट्रीटेड पॉइजंस वेस्ट ऑन द रिवर बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनट्रीटेड पॉइजन है वो कंपनी क्या कर रही है कि उस रिवर के अंदर डाल रही है, जिसके वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड, तो व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर डू दे नीड टू बी टेक, तो इसका आंसर होगा, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक शुड बी अडॉप्ट बाय द ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच वेस्ट शुड बी अ रिड्यूस एफर्ट शुड बी मेड टू रीयूज द वेस्टेज एंड वेस्टेज या वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिड्यूस और रीयूज शुड बी रीसाइकल। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट को फॉलोअप करना चाहिए या उस कंपनी को फॉलोअप करना चाहिए। आई होप कि ये जो केस स्टडी था ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे लाइक करके बताइए और कमेंट करके भी बताइए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।